हेलो स्टूडेंट, देखो क्लास टेंथ का क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है दो चरों वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है। उन्होंने बोल दिया है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ए एक्स प्लस टू वाई बराबर जीरो और 8x प्लस ए वाई बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेकल है। देखो इस कंडीशन सवाल को करने के लिए हमें तीन कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि एक हल कब होता है और अनेक हल कब होते हैं और कोई हल नहीं कब होता है, वो वाली कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हमने ये पढ़ा था कि ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, केवल एक ही हल होगा हमारा, ठीक है। कितने हल होंगे इसके, एक ही हल होगा। यदि यह आ जाए ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कैसी रेखाएँ होंगी, हमेशा वो संपाती रेखाएं होंगी। कहने का मतलब ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ऐसे होंगी। और ये कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर एक जा रही होगी, एक रेखा इधर से और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर, तो हर पॉइंट पर काट के चल रही होगी, ठीक है। तीसरी बात कौन सी थी, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू और नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये रेखाएँ हमेशा कैसी होती हैं, समांतर रेखाएँ होती हैं ऐसी एक दूसरे की, ठीक है। जब समांतर होंगी तो आप उसमें काटेंगे नहीं तो कोई हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो अब जी वाली कौन सी बात कर रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो कौन सी वाली शर्त लगा देंगे हम, ये वाली शर्त लगा देंगे। तो इस शर्त को लगाने के बाद क्या होगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी सवालों के समीकरणों को लिखते हैं इधर लेके, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो कैसे लिख देंगे, ए एक्स प्लस टू वाई माइनस का दो इधर ले लेंगे तो माइनस का टू बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखेंगे हम, एट एक्स प्लस ए वाई और माइनस के चार बराबर जीरो। अब हमें पता है जे ए वन है, जे बी वन है, जे सी वन है, और जे ए टू है, जे बी टू है, जे सी टू है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो ए वन की वैल्यू कितनी है, ए ही है, और बी वन की वैल्यू कितनी है, दो है, और सी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस के टू है, ठीक है। और ऐसे ही ए टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आठ, और बी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए, और सी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के फोर। अब हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखेंगे, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त, अनेक हल होने की ही शर्त, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त क्या है, ये वाली लिख देंगे। लिख दो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ से ए वन की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए ही है, बी ए टू की वैल्यू कितनी हमारे पास, आठ है, अच्छा बी वन की वैल्यू कितनी हमारे पास, दो है, और बी टू की वैल्यू कितनी है, ए है हमारी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी वन की वैल्यू कितनी है, माइनस टू है, यहाँ से माइनस के फोर। अब ये तीनों चीज़ आपस में बराबर है, तो इसके बराबर में इसकी तुलना कर सकते हैं, इसके बराबर इसकी तुलना कर सकते हैं, इसके बराबर इसकी तुलना कर सकते हैं, तुम्हारा मन करे जिससे हम तुलना करके निकाल सकते हैं। तो हमने इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो ए वन अपॉन ए वन ए अपॉन एट और सी वन सी टू अपॉन ए, तो ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एट टू या सिक्सटीन, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन यानी 16 का वर्गमूल प्लस माइनस। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस फोर, यानी ए की वैल्यू प्लस के फोर या माइनस के फोर होगी, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते थे, टू अपॉन ए बराबर माइनस के फोर अपॉन माइनस के फोर, टू टू अपॉन माइनस के फोर, टू माइनस से माइनस कट गया, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर चार दूनी आठ, और ये हो जाएगा टू ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आठ बट्टे दो, दो से कितनी बार कट गया, चार, तब भी आंसर कितना आ रहा है हमारा, चार आ रहा है आंसर। तो यानी ए का वैल्यू कितना गया, चार आ गया।